आज मैं आपको सिखाऊंगी एगलेस मैंगो आइसक्रीम। इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारी एगलेस आइसक्रीम बनाना सिखा चुकी हूँ, डिफरेंट फ्लेवर्स की, जैसे कि वनीला, चॉकलेट, मार्बल, और इसके अलावा भी और भी आइसक्रीम्स मैंने आपको सिखाई हैं। लेकिन आज की जो आइसक्रीम है वो एगलेस तो है ही, लेकिन इसके अलावा इसे हम बनाएंगे कस्टर्ड पाउडर से। तो इस कस्टर्ड मैंगो आइसक्रीम को बनाना भी बहुत आसान है और बहुत मज़े की आइसक्रीम बनती है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं मैंगो आइसक्रीम को। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन दबाएं, उसे दबाना ज़रूरी है ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिल सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कस्टर्ड पाउडर। तो मैंगो फ्लेवर का मैं कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं, और मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं 3 टेबल स्पून। तीनों टेबल स्पून मैंने बिल्कुल प्लेन लिए हैं कस्टर्ड पाउडर के। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे दूध। तो दूध जो है मैंने डाला है इसके अंदर 1/4 कप। तो अगर से आपके पास मेजरिंग कप नहीं है घर में तो आप जो है आईडी से भी थोड़ा सा दूध ले सकती हैं, लेकिन इसे अच्छी तरीके से घोलिएगा ताकि इसके अंदर लम्स या गुठलियाँ वगैरह ना रहें, बिल्कुल पतली सी बिल्कुल पेस्ट बन जाए विदाउट लम्स की, यानी बगैर गुठलियों की। और इसके अलावा जो हम यहाँ कस्टर्ड पाउडर को घोलने के लिए दूध यूज़ करेंगे वो रूम टेम्परेचर का हो तो भी सही है, और अगर से ठंडा है तब भी सही है, लेकिन गर्म दूध यूज़ नहीं करेंगे हम कस्टर्ड पाउडर को घोलने के लिए। तो ये मैंने अच्छी तरीके से घोल लिया है, अब इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए हमें चाहिए दूध 1/2 लीटर, इसे हम डाल देते हैं। और इसके बाद इस रेसिपी के अंदर जो है मैंने दूध जो यूज़ किया है वो पैकेट का यूज़ किया है क्योंकि गाढ़ा होता है, और फुल क्रीम यूज़ किया है क्योंकि क्रीम आइसक्रीम में जब ऐड होती है तो बहुत मज़े की आइसक्रीम बनती है, इसलिए मैंने फुल क्रीम का दूध इसमें यूज़ किया है। और दूध डालने के बाद जो है इसे हम फ्लेम हाई कर देंगे, यानी आग तेज़ कर देते हैं ताकि दूध जो है वो जल्दी से बॉयल हो जाए। तो दूध को हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा से जो है हाई फ्लेम कर रही हूँ ताकि दूध जो है दोबारा बॉयल हो जाए। बहुत थोड़ा सा ही मैंने इसे गाढ़ा करा है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करा है। अब देखिए दूध जो है बॉयलिंग होना स्टार्ट हो गया है। दोबारा से चमचे चला लेते हैं एक दफ़ा, और इसके बाद मैंने फ्लेम लो कर दिया है और डाल देंगे इसके अंदर हम चीनी। चीनी मैंने यहाँ यूज़ की है 1 कप। देखिए ये रेसिपी बहुत ही आसान है क्योंकि घर की चीनी जो दानेदार चीनी होती है उसी से ये आइसक्रीम बन जाती है। इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी यूज़ नहीं होता क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर को कंडेंस मिल्क नहीं मिलता, तो उनके लिए भी बहुत आसान है ये रेसिपी, दानेदार चीनी से ही बन जाएगी। और इसके अलावा ये एगलेस रेसिपी है तो सभी इसे बनाकर खा सकते हैं। और चीनी डालने के बाद जो है दूध थोड़ा सा पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी एकदम पानी छोड़ देगी, इसलिए हम दोबारा से पकाएंगे। और अब मैंने दोबारा से हाई फ्लेम कर दिया है ताकि दूध जो है वो तेज़ आके ऊपर जल्दी खुशक हो जाए थोड़ा सा, और इसके अलावा बॉयल दोबारा से इसमें बबल्स आने लगे, उबाल आने लगे। तो देखें बहुत ही जल्दी जो है उबाल आना स्टार्ट हो गया है, इस तरीके बबल्स आने लगेंगे तब इसके अंदर हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था मिक्सर। तो देखें मिक्स करके ही डालेगा इसके अंदर क्योंकि कस्टर्ड पाउडर जो है वो नीचे बैठ जाता है बॉटम में, इसे जिस भी प्याली के अंदर आप घोलेंगी उसे दोबारा से मिक्स करके फिर इसके अंदर ऐड करिएगा। और इसके अलावा जो है एक हाथ से डालती जाइएगा और एक हाथ से मिक्स करती जाइएगा ताकि दूध में जब कस्टर्ड पाउडर डले तो उसके लम्स यानी गुठलियाँ ना बने। और इस दरमियान हम दरमियानी आग रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। दरमियानी आग के ऊपर थोड़ी सी देर के अंदर कस्टर्ड पाउडर जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, साथ साथ साइडों में जो मलाई है उसे भी हम इसमें शामिल करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। इससे पहले भी मैं आपको मैंगो आइसक्रीम बनाना सिखा चुकी हूँ, जैसे कि मैंने आपको ब्लेंडर में बनाना सिखाई थी मैंगो आइसक्रीम। इसके अलावा मैंने बनाई थी सिर्फ 3 चीज़ों से मैंगो आइसक्रीम। आज की जो आइसक्रीम बना रही हूँ कस्टर्ड पाउडर से है, लेकिन तीनों का ही टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और देखें थोड़ी देर में मिक्स करते करते ही जो है कस्टर्ड पाउडर गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा मज़ीद और गाढ़ा करेंगे। इतनी देर जो है मिक्सचर गाढ़ा हो रहा है मैं आपको मज़ीद चीज़ें बता देती हूँ। तो इस रेसिपी के अंदर यानी मैंगो आइसक्रीम के अंदर आपको चाहिए 2 आम बड़े साइज़ के, उनका गूदा निकाल लीजिएगा और पेस्ट बना लीजिएगा। तकरीबन 1 कप पेस्ट होनी चाहिए, और आम जो आप इस रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे यानी मैंगो आइसक्रीम में जो आप आम यूज़ करेंगी वो लाजमी मीठा देख के लीजिएगा। तो जितना आम जो है मीठा होगा और मज़ेदार होगा उतनी ही आइसक्रीम मज़े की बनती है। दशहरी आम बहुत अच्छा रहता है आइसक्रीम में, बहुत मज़े की आइसक्रीम उससे बनती है। लेकिन अगर से आपको इसके अलावा कोई आम पसंद है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं, लेकिन आम की पेस्ट लाजमी 1 कप होनी चाहिए। तो ये काम मैंने पहले ही करके रख लिया है, लेकिन बबल्स आते आते देखेंगे इतना गाढ़ा हो गया है। जब ये इतना गाढ़ा हो जाएगा तो इसे हम चूल्हे से हटा लेंगे। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसे चूल्हे पे से हटा लिया है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए अब छोड़ देंगे। जब ये कंप्लीट ठंडा हो जाएगा तब इसके अंदर हम आइसक्रीम में इसे ऐड करेंगे। अगर से आपने उससे पहले ऐड करा तो ये ख़राब कर देगा आइसक्रीम को, इसलिए लाजमी जब ये बिल्कुल कम्प्लीट ठंडा हो जाएगा तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे। बाकी साइडों में जो मलाई वगैरह है उसे आप हटा कर इसमें ऐड कर लीजिएगा। इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
तो यहाँ मैंने वीडियो शॉर्ट कर दी है, लेकिन ठंडा होने के बाद जो है इसके अंदर थोड़े से पीसीस बन जाते हैं इस तरीके के। तो इसे जो है मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसमें लम्स या पीस वगैरह ना रहे। तो इस तरीके से स्पून से करिएगा तो लम्स वगैरह जितने होंगे सब ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके की पेस्ट हो जाएगी ये, इसे साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम 1.5 कप, बिल्कुल कंप्लीट ठंडी। इसे हम बीट करेंगे। व्हिपिंग क्रीम मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ सब्सक्राइबर को कि किस तरीके से लेनी चाहिए, किस तरीके से बीट करनी चाहिए, इसलिए यहाँ नहीं बता रही हूँ, पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि व्हिपिंग क्रीम यहाँ 1.5 कप डालने के बाद इसे हम बीट करेंगे। क्रीम बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अब देखिए कुछ लोगों के पास जो है ये बीटर नहीं होगा, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले, इससे पहले जो मैंगो का सीज़न था उसके अंदर मैंने आपको ब्लेंडर के अंदर आइसक्रीम बनाना सिखाई थी। तो अगर से किसी के पास बीटर नहीं है तो परेशान ना हो, ये मैंगो आइसक्रीम आराम से बन जाएगी ब्लेंडर के अंदर। उस रेसिपी को देख लीजिएगा, उसमें मैंने कम्प्लीट डिटेल बताई है कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ब्लेंडर में भी आइसक्रीम बना सकती हैं। वो मैंगो की आइसक्रीम भी बहुत मज़े की बनती है, तो ब्लेंडर से बन जाएगी आराम से। लेकिन इस रेसिपी में मैंने बीटर ही यूज़ किया है। और देखें आप जो है बीट करते करते क्रीम इतनी हो गई है कि हम गिर नहीं रही है। जब क्रीम इतनी बीट हो जाएगी कि ये गिरेगी नहीं, तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैंगो जिसकी पेस्ट मैंने बना के रखी हुई है 1 कप। दाल के मैंगो की पेस्ट को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो ये मैंने मैंगो की जो पेस्ट थी वो अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर दूध का मिक्सचर जो हमने बना के रखा था, और ये कम्प्लीट ठंडा हो गया है तो इसमें ऐड कर लिया है मैंने। ऐड करके इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करते करते कुछ इस तरीके की हो जाएगी। इसके बाद हमें चाहिए कंटेनर। अगर से आपके पास घर में कंटेनर मौजूद नहीं है तो इसकी जगह आप कोई भी बर्तन ले लीजिएगा, लेकिन उस पर जो है वो एल्युमिनियम फॉइल लगानी होगी आपको ताकि एयर की पासिंग ना हो और अच्छी तरीके से जो है वो आइसक्रीम जम जाए। और इसके बाद इसे हम अच्छी तरीके से टैप कर लेंगे ताकि अगर से एयर वगैरह है तो वो निकल जाए। मैंने टैप कर लिया, एयर निकल गई है, और इसे कवर कर देते हैं। यहाँ मैं कवर ढक रही हूँ, इसकी जगह आप एल्युमिनियम फॉइल लगा दीजिएगा उसके ऊपर ताकि एयर की पासिंग ना हो और आइसक्रीम बहुत अच्छी तरीके से जम जाए। और उसके बाद हम मैंगो आइसक्रीम को रख देंगे जमाने के लिए फ्रीज़र में पूरी रात के लिए। अब देखें अगले दिन मैंगो आइसक्रीम कम्प्लीट जम गई है। तो ये हमारी मज़ेदार और आसान मैंगो आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। देखें कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल ऐसी ही आपकी बनेगी अगर से आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगी। अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ताकि आप आइंदा भी ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।